नहीं, यहाँ पे पूरे यूरोप में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है गाड़ी चलाते हुए, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे कोई ड्राइव करे इधर, कोई लेके जाए। भाई फ्रेंड्स देख लो आप लोग, अच्छा अभी मैं मौजूद हूँ एक सिटी जो कि लिल के बिल्कुल साथ है, उसका नाम है कूबे। तकरीबन 90% इमिग्रेंट रहते हैं फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें अल्जीरिया, मोरक्को और तुनिसिया शामिल हैं, और 40% पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। इस सिटी का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इज़ अबव 50% और इज़ वन ऑफ द अनसेफ प्लेस इन फ्रांस। बहुत सारे मसाइल इस कंट्री में भी हैं, लेकिन ये लोग इतना लाइमलाइट करते नहीं, इनका मीडिया इतना ज़्यादा कवर नहीं करता कि भाई क्रिमिनैलिटी पूरा यूरोप घूमो, क्रिमिनैलिटी है वहाँ पे भी, बड़े मसले मसाले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। हमारी ये इल्यूजन बना हुआ है कि भाई यूरोप है तो सेव है, यूएसए तो सेव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई देखो हर चीज़ फ्रेंच में। अच्छा फ्रेंच लोगों की ये ब्रेड है बगेट, ये इनकी ब्रेड अलग होती है, हमारी ब्रेड अलग होती है यूके में। साइज देख लें भाई, ये छोटा सा है, चाय नहीं है बेसिकली, ये कॉफ़ी है। अच्छा भाई तो अभी खाना खा लिया, कॉफ़ी मेरे हाथ में, और धूप बड़े मज़ेदार हो रही है, क्योंकि हम इंग्लैंड में ना धूप को तरस जाते हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, यकीन करें कसम से बहुत मज़ा आ रहा है धूप में। अच्छा भाई यहाँ पे भी देखें, दुकानों पे चौकिंग होती है, दुकानें भी बंद है और चौकिंग हुई है यहाँ पे। अच्छा मुझे फ्रांस की जो सबसे अच्छी बात ये लगती है, यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी है, और जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ अफ्रीका की अगर हम बात करें, अल्जीरिया, मोरक्को, तुनिसिया, ये सारी फॉर्मर कॉलोनीज हैं फ्रांस की, तो यहाँ के लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आबाद हैं, उनकी 5वीं, 6वीं, 7वीं जनरेशन यहाँ पे चल रही है, और मेरा बड़ा दिल करता है यार यहाँ पे यूनिवर्सिटी पढ़ूँ, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए होते हैं। और फ्रेंच ज़बान सीखने के बड़े फ़ायदे हैं, एक तो फ्रांस में बोली जाती है, दूसरा बराबर में बेल्जियम है, वहाँ पर फ्लेमिश और फ्रेंच बोली जाती है। जो भी बच्चे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, आपके पास समर्स में फ्री टाइम होता है, फ्रेंच सीखें, यूट्यूब पे सीख लें यार, इंस्टीट्यूट नहीं जाने जा रहे, यूट्यूब पे मोबाइल एप्लीकेशन है, बुजू एक एप्लीकेशन है, BUSW, वहाँ पे आप सीख सकते हैं, काफ़ी सारी मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे फ्रेंच सीखें। अच्छा भाई ये देखें, ये कंट्री साइड यहाँ की ऐसी होती है, इनके गाँव हमारे शहरों से भी अच्छे हैं यार। अभी सुपर मार्केट में आया हूँ, काफ़ी सारी डिस्काउंट लगा हुआ है यहाँ पे, और हलाल मीट आसानी से मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है वहाँ। अभी मैं मौजूद हूँ बोविन में, ये एक सिटी है जस्ट नेक्स्ट टू लिल, और इस सिटी की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है इंग्लिश और फ्रेंच लोग आपस में बहुत लड़ते रहते हैं, जिनकी लास्ट फाइट थी वो यहाँ पे हुई थी, जिसमें फ्रेंच तकरीबन 9000 सोल्जर्स मरे थे, और उसके बाद इन्होंने अपनी ट्रीटी साइन की थी कि देयर विल बी अ नो वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम नाउ। पीछे देखें, वो देखें सारे, मतलब जितनी भी विंडोज़ हैं उस पर कुछ ना कुछ आर्ट वर्क हुआ है, और कमाल है यार, पता नहीं कितने साल पहले यहाँ पे लोगों ने किया। सलाम है सर। अच्छा ये जो मेरे पीछे ये है कन्फेक्शनल रूम होता है, ये देख रहे हैं आप, ये पर्दा लगा होता है, ये खुला, यहाँ पे प्रीस्ट होता है अंदर, ठीक है, और ये बंद होता ही हूँ, और ये पर्दा लगा होता है, और होता ही है इसमें आप जो भी आपने सिन किए होते हैं आप उसको कन्फेस करते हैं यहाँ पे नील डाउन करके। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करते हैं लोग, और यहाँ पे फिर आप मतलब ये स्टाइल होता है, और यहाँ पे फिर आप बात करते हैं जो भी प्रीस्ट होता है, और उससे फिर आप कन्फेस करते हो अबाउट योर सिंस, तो इस तरह ये लोग यहाँ पे करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये अभी भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं,
लेकिन बैक इन टाइम्स ये लोग ऐसी प्रैक्टिस किया करते थे। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे मैंने देखा है ज़्यादातर पिक्चर्स वैसी हैं जिसमें किंग फिलिप हुआ करता था उस ज़माने में, फ्रांस का किंग, और ये यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स दिया करता था सोल्जर्स को। तो ये सारी विंडोज़ किंग फिलिप की सेइंग्स हैं और उसका स्टाइल के वो किस तरह लोगों को भाई जोश जो है वो पैदा करता था सोल्जर्स में। अच्छा, इस कैथीड्रल से लिंक है, ये एक छोटा सा ग्रेवयार्ड है और 1975 लिखा हुआ है, मतलब 1975 में जो लोग मरे थे वहाँ यहाँ तक फीन हुई थी, जो भी मरहूम लोग हैं वो यहाँ पे दफन हुआ करते थे। अब पता नहीं कौन सा ग्रेवयार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। अच्छा, अभी बज रहे हैं 4 और इवेंट स्टार्ट होने तकरीबन 7 बजे। होता ये है कि यहाँ पर तो सारी चीज़ें हमने करनी है, यहाँ पे एज सच कोई इंतज़ाम मतलब फैमिली के किसी मेंबर को करना पड़ता है, यहाँ पे लोग नहीं होते करने के लिए, तो टीम वर्क है प्रॉपर। तो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, अभी हम मिलकर कुर्सियाँ लगाएंगे, फिर रात में आपको इवेंट दिखाते हैं। तकरीबन 2 घंटे हो गए इधर आया हूँ, अभी पहले मैंने आपको दिखाया था जब कोई भी नहीं था, आप देखें पीछे सारे लोग बैठे हैं। तो ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट भी हमने खुद की है, और वो ये कि केटरिंग वाले से कुछ भी नहीं बनाया, तो अपने घर से सारे सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेकर आए और सब इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा बैठे हुए। तो अभी आपको दिखाता हूँ खाने के बाद के इवेंट्स भी क्या हो। वापसी जा रहा हूँ बैक टू इंग्लैंड, और ये है लिल का स्टेशन, यहाँ से ट्रेन जाएगी लंदन सेंट पैंक्रस, सेंट पैंक्रस से मैं एक और ट्रेन पकड़ के जाऊँगा ल्यूटन, ल्यूटन में मेरी गाड़ी पार्क है, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। तो भाई अभी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं और देखते कैसा एक्सपीरियंस रहेगा ट्रेन का। हाँ भाई, पहुँच गए सेंट पैंक्रस, इट वॉज रियली अ क्विक वन, और कब बैठा और कब पहुँच गया पता नहीं लगा। और यहाँ से पूरे यूरोप के लिए ट्रेन जाती हैं और बड़ा ही बिजी है, मेरे ख्याल से सबसे बिजी, दुनिया का सबसे बड़ी बिजी ट्रेन स्टेशन सेंट पैंक्रस ही होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा सीन हुआ जब मैं फ्रांस से निकल रहा था, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या सीन हुआ। अच्छा, छोटा सा सीन ये होता है कि जब भी मैं फ्रांस आता हूँ या फ्रांस से यूके आता हूँ, तो इमिग्रेशन पे जो बॉर्डर फोर्स एजेंसी होती है, वो लोग जब भी मेरा पासपोर्ट देखते हैं तो बड़े मतलब पहले तो मुझे देखते हैं, फिर मेरा पासपोर्ट देखते हैं, फिर थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं यार कि पाकिस्तानी पासपोर्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि पाकिस्तानी इतने शायद उनको दिखते नहीं होंगे पूरे दिन में, तो उनके लिए भी थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाती है। 5 से 10 मिनट वो लगाते हैं मेरे पासपोर्ट पे, हर एक एक स्टैम्प चेक करते हैं। मेरा पासपोर्ट तकरीबन 80% फुल हो चुका है स्टैम्प से, और तो और सस्पिशियस हो जाते हैं कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है अगला बंदा। तो ठीक है यार, टाइम लगा लो, कोई मसला नहीं है यार, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मतलब मजाक बात थोड़ी है। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम तो नहीं है, बस एक होता है थोड़ा सा स्पीशियस हो जाता है वहाँ, लेकिन हमें बड़ा फ़ख्र है अपने पासपोर्ट पे। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे, यही पासपोर्ट आगे लेके जाएगा। अच्छा,
10:37 का मेरा टाइम था और 2 मिनट मेरी घड़ी आगे और ये मेरी ट्रेन भी आ गई है। मतलब वक्त की पाबंदी आप चेक करें यार। भाई एक पाँव फ्रांस में, एक पाँव यूके में, अल्लाह तुम्हें इज्जत रखी। अभी घर जा रही है, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। ये आमिर भाई हमेशा मुझे कार स्पेस देते हैं, मैं हमेशा यहाँ गाड़ी खड़ी करके पूरा यूरोप ट्रैवल करता हूँ। तो ये इसकी जो कार पार्किंग है वो ल्यूटन एयरपोर्ट से बहुत करीब है। तो अब वक्त हुआ है इस व्लॉग के अख्ताम का। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर दोबारा फ्रांस 2-3 महीने में दोबारा जाऊँगा, फिर आपको ले चलेंगे अपने साथ। तो भाई एक और चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा पीछे हूँ भाई, यूट्यूब में, फेसबुक पर ठीक चल रहा है, अल्लाह की शुक्र है, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा गेयर लगाना है। तो गेयर लगाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। आप भी थी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।